बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ गुरुवार को सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल के थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। बता दें कि कंगना रनौत जब दिल्ली जाने के लिए बोर्डिंग से पहले सुरक्षा जांच के लिए इंतजार कर रही थी, इस दौरान यह थप्पड़ मारने वाली घटना घटी। हालांकि आरोपी महिला कांस्टेबल पुलिस कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि बीजेपी सांसद होने से पहले एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, तो ऐसे में ऐसी बदसलूकी हैरान करने वाली है। महिला कांस्टेबल खुद को किसान आंदोलन का समर्थन बता रही है, लेकिन यह किसी भी हाल में सही नहीं थी। इस मामले को लेकर कंगना रनौत ने कहा कि हमला करने वाली महिला कांस्टेबल खुद को किसान आंदोलन का समर्थक बता रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में बढ़ गए अग्रवाल और आतंकवाद के माहौल चिंता का विषय बनता जा रहा है। किसानों के मुद्दे को लेकर एयरपोर्ट पर किसी से बात कर रहे थे, इतने में सीआईएसएफ की जवान उत्तेजित हो गई और उसने थप्पड़ जड़ दिया। गौरतलब है कि कंगना की हाल ही में अभी राजनीति में एंट्री हुई है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से चुनाव जीता है। कंगना ने मंडी में हिमाचल प्रदेश की 6 बार मुख्यमंत्री रहे देवगन वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों से हराया है। बहरहाल इस मामले में सोशल मीडिया में लोग दो भाग में बंट गए हैं। कोई कंगना का सपोर्ट कर रहा है तो कोई उस महिला कांस्टेबल को। मिली जानकारी एवं सोशल मीडिया के मुताबिक बता दें कि कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर कहा था कि किसान आंदोलन में सभी 100 रुपए लेकर बैठे हैं। यह बात सुनकर महिला कांस्टेबल को गुस्सा आ गया था और उसने कंगना रनौत पर हाथ उठाया, क्योंकि उस आंदोलन में महिला कांस्टेबल की मां भी बैठी थी। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू।